राम सिंह कैसा हरिया जी बुल्ली ठाकुराइन। लाखन ने सख्त चेतावनी दी है, बड़ी हवेली पे हमले का खतरा है, इसीलिए अब से तुम सब टोलियों में बटकर पहरेदारी करोगे। जी बुल्ली ठाकुराइन। राम सिंह तुम छत पे रहोगे और केशव तुम मंजिता के घर की ओर, और हरिया तुम और तुम्हारा आदमी हवेली के बाहर तैनात रहोगे। आंखें सतर्क और कान खुले रखो, एक आहट को भी हल्के में मत लेना, समझे तुम लोग? जी जी। जाओ। तुम जो भी हो, अगर तुमने इस हवेली के चक्रव्यूह में कदम रखने की गलती की तो यहां से जिंदा बाहर नहीं जाओगे, ये वादा है इस ठकुराइन का। सुनो बुलावा आया है, मौत की दस्तक लाया है, गुड्डी गई पानी में, बाकी सब जाएंगे भरी जवानी में, जो घर में है बच जाएंगे, बाहर है वो मर जाएंगे। नहीं, कौन हो तुम? कायर कहीं के भोसले? ऐसे फोन पर तो कोई भी धमकियां दे सकता, हिम्मत है तो सामने आओ। हेलो हेलो कार्तिक, ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच ले। क्या बात है पुनमी, किस पे चिल्ला रही थी, किसका फोन था? कोई हमें फोन पर धमकियां दे रहे पड़ी होगी कि वो हमारे परिवार को लाखन ठाकुर का बोल, हम सब बताते, सब बताते। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। इसके पहले अंबिका जी के ऊपर हमला हुआ, सलाउदी ऐसे ही कुछ खाके मर गया। पता चलने वाला था कि तुम देखकर राज निकल गया। जिस दुश्मन की आदमियों में पकड़े जाने पर जान देने का जिगर हो, उस दुश्मन को मात देना आसान नहीं है। आप सबको आगाह रहना होगा। पर वो तो मर चुकी है, मिथिलेश और लाखन ने उसकी गाड़ी को खाई में गिरकर आग लगते देखा था। ये जिसने भी किया है बड़ी है, वो इस वक्त हमारे बीच हवेली में मौजूद, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ से गए थे बड़ी अम्मा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी हमारा दुश्मन इस समय हमारे बीच है। जी बड़की अम्मा। पटना चले गए थे क्या? इतना समय कैसे लग रहा है तुमको और मिथिलेश को? अरे घर की तरफ आ रहे थे, उकाया जो हमारा नया दुश्मन है ना, उसके बारे में अपने आदमियों से पता लगा रहे थे, इसलिए थोड़ा देरी हो गई। बहुत देर ना हो जाए लाखन। ये कैसा बिना सर पैर की बातें कर रही हैं? ये सर पैर का? तुम जिसको ढूंढ रहे हो ना लाखन, वो दुश्मन इस समय हवेली में है। कैसे हो सकता है? हो सकता है नहीं लाखन, हो गया है। कोमल जिंदा है,